स्किन को गोरा, ग्लोइंग, सॉफ्ट बनाने के लिए एक बहुत सिंपल सी रेमेडी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रिजल्ट आपके सामने है और ये रेमेडी मैं बनाऊंगी दूध से जो कि आपके घर में मौजूद रहता हेलो है। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। भाई, आज की डेट में ना हर कोई तीसरा बंदा अपनी स्किन प्रॉब्लम से परेशान है। वो भी क्यों ना, क्योंकि आजकल का जो टाइम चला हुआ है, एक तो एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, धूल मिट्टी प्रदूषण, हार्मफुल सनरेज हमारी स्किन को डैमेज करती ही जा रही हैं, और एनवायरनमेंट में भी इतने ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं कि हम क्या करें। मतलब चाह करके भी हम अपनी स्किन को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। तो अगर आपको भी है किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम, देखिए पहले मुझे भी बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स होती थी। जो ये अभी आप देख रहे हो ना, मेरी स्किन एकदम साफ सुथरी, कोई भी दाग धब्बा नहीं, एकदम क्लीन है और ग्लो करती है, कोई मेकअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो पहले मेरी स्किन भी ऐसी नहीं होती थी, मुझे भी बहुत सारी झाइयाँ हो गई थी। जैसा कि आप सभी जानती हैं कि आफ्टर बेबीज ये जो समस्या है ना झाइयों की, एक कॉमन सी समस्या है। मतलब हर तीसरी लेडीज को इस समस्या का सामना करना ही पड़ता है। कैल्शियम आयरन की कमी हो जाती है, हम लेडीज अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हैं, खासकर बेबीज के बाद हम बच्चों पे ज्यादा ध्यान होता है, लेकिन परिवार के ऊपर ज्यादा ध्यान होता है, लेकिन हम अपने ऊपर कहीं ना कहीं ध्यान देना छोड़ देती हैं, इसलिए फिर ये समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो कैसे मैं आज आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी यहाँ पे शेयर करती हूँ कि किस तरह से मैंने अपनी ये समस्या को हल किया, किस तरह से अभी स्किन एकदम साफ सुथरी हो गई है। मतलब स्किन की जो मर्जी प्रॉब्लम्स हो ना, आप रेगुलरली इसे यूज करना शुरू कर दीजिए। रात को सोने से पहले, रात का टाइम जो होता है ना, रात भर जो भी चीज़ आप यूज करते हो स्किन केयर में, तो वो रात भर आपके चेहरे पे काम करेगी, मतलब हीलिंग का काम करेगी, आपकी स्किन की जो प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें जड़ से क्योर करेंगी। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर बोलती हूँ कि रात को सोने से पहले, और नाइट स्किन केयर रूटीन बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। तो क्या करती हूँ मैं, भाई देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हमें कालापन कहीं पर भी, जैसे डार्क सर्कल होते हैं, स्किन काली हो जाती है तभी तो वो डार्क सर्कल दिखते हैं। अगर आपके पिंपल्स हो गए हैं, पिंपल्स ठीक भी हो गए, उसके बाद भी कहीं ना कहीं एक जिद्दी दाग रह जाता है फेस के ऊपर, तो उन चीज़ों के लिए विटामिन ई सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है। ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ शायद, और ये बहुत ही अच्छी तरह से काम करती है। ब्यूटी विटामिन के नाम से ही ये जानी जाती है। एंड ऐसा नहीं है कि गर्मियों का मौसम है तो आप इसे यूज़ नहीं कर सकते, बस आपको कुछ एक चुनिंदा चीज़ें इसमें ऐड कर लेनी है, ताकि मतलब चीज़ें मिक्स मैच हो जाती हैं तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और गर्मियों के मौसम में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे मैंने अपनी जो भी ये समस्याएं थी उनसे छुटकारा पाया, और क्या है मेरी फेवरेट वाली ये रेमेडी, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले तो देखिए आपको चाहिए होगा आपके किचन में जो दूध आता है ना, और सच में मैंने आपके साथ पहले भी एक दो दिन पहले ही वीडियो शेयर की है, बहुत सिंपल सा उपाय बताया है कि दूध को खाली बहुत 1 पिंच से भी कम, मतलब जस्ट इतना कर आप वीडियो देखिएगा, नमक के साथ यूज़ करिएगा रेगुलरली, तो बड़ी सी बड़ी समस्या, क्योंकि दूध जो है ना पोषक तत्वों का भंडार है। हर तरह के पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, हर चीज़ पाई जाती है। तो ये जो दूध है ना, आपकी सारी स्किन प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए काफ़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सोचते हैं, मतलब एक आधा दिन यूज़ करते हैं, दूसरे दिन भूल जाते हैं। देखिए चीज़ों को रेगुलर, खासकर ये जो नेचुरल रेमेडीज़ मैं आपके लिए बताती हूँ, इनको रेगुलरली आपको यूज़ करना होता है, जब तक कि आपको खुद अपनी स्किन में फ़र्क महसूस होना, दिखना शुरू ना हो जाए, और जब तक जड़ से ख़त्म ना हो जाए तब तक आप भी जिद्दी होकर के यूज़ करते रहिए। और दिखता है, आप पहले कम से कम 1 महीना हफ्ता यूज़ तो कीजिए, रेगुलर यूज़ कीजिए। बहुत बार लोग ऐसा करते हैं कि हफ्ता भर यूज़ करेंगे या फिर एक आधा 2 दिन यूज़ करते हैं, फिर बोलते हैं नहीं मुझे तो कोई फ़र्क नहीं। भाई देखिए, हमने भी एक ही दिन के अंदर स्किन इतनी अच्छी नहीं हो जाती है, जो मैं आपके साथ हर बार बोलती हूँ, चीज़ों को रेगुलरली यूज़ करना पड़ता है, स्पेशली जो आपकी नेचुरल चीज़ें हैं, इंस्टेंटली रिजल्ट नहीं देती हैं। केमिकल जो प्रोडक्ट आप लगाते हो ना, उनकी तरह 1 मिनट में ब्लीच किया आपको बस एकदम जी आहा, स्किन इतनी ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है, ग्लोई, और हफ्ते बाद देखोगे तो इतनी मुरझाई हुई, मतलब आपकी स्किन को जला करके रख देती है वो चीज़ें। तो वो नहीं यूज़ करनी है आपको, इसे रेगुलर यूज़ कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 1 चम्मच के करीब आपको दूध लेना है, 1 चम्मच आपके एक फेस के लिए काफ़ी रहेगा। यहाँ पे क्या करना है, देखिए इस तरह से मैंने बाउल में ले लिया 1 चम्मच दूध, अगर कच्चा दूध आप लेते हो तो और भी बेनिफिशियल रहेगा।
बाकी अगर नहीं है तो जो भी है आपके पास उसे आप ले लीजिए। अब इसके बाद हम इसमें जो ऐड करेंगे वो है एलोवेरा जेल। आप प्लांट वाला भी ऐड कर सकते हो, उसमें से जेल निकाल लेना और मिक्सर जार में एक ब्लेंड दे देना, तभी वो चीज़ों के साथ मिक्स होता है, अदरवाइज मिक्स नहीं होता। उसके साथ थोड़ी सी झंझट ये होती है। अच्छा, पर मैंने यहाँ पे रेडीमेड लिया है, जिस भी ब्रांड का आपके पास अवेलेबल है वो आप लीजिए। एक बड़ा चम्मच आपको यहाँ पे एलोवेरा जेल का लेना है और इसे इस दूध के साथ हमने यहाँ पे मिक्स कर लेना है। जैसे ही आप मिक्स करोगे ना, ये देखिए बहुत ज़्यादा आपका ये मतलब एक लिक्विड जैसा पेस्ट नहीं बन जाता है, एक क्रीमी ही टेक्सचर में ही आएगा, बहुत ज़्यादा मतलब लिक्विड नहीं बन जाएगा। बाकी फिर आपको इसमें ऐड कर लेनी है ये विटामिन ई का कैप्सूल। एक चम्मच अगर आपने ये लिया है तो एक आपके लिए काफ़ी रहेगा। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत दाग धब्बे हैं, झाइयाँ हैं, तो आप यहाँ पे दो कैप्सूल भी ले सकते हो। तो इस तरह से आपको इसके अंदर जितना भी ऑयल रहता है ना, वो आपको इस तरह से निकाल लेना है और ले लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल अगर आपको रहते हैं तो ये सिंपली इस तरह से अपनी फिंगर टिप पर लीजिए और यहाँ डार्क सर्कल्स के ऊपर इस तरह से ही लगा लीजिए। देखना आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। डेली रात को सोने से पहले कीजिए, हफ्ते में ही रिजल्ट आपके सामने होंगे, आपको दिखना शुरू होगा कि वाकई में किस तरह से ये काम करता है। तो इस तरह से अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से आपके यहाँ पे मिक्स हो जाएं। अब एक और चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ये है गुलाब जल। गुलाब जल एक तो आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, गर्मियों के मौसम के लिए बहुत ही बेस्ट चीज़ है और जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पर लगभग एक चम्मच के करीब मैंने गुलाब जल भी ले लिया। ओहो, एक चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे गुलाब जल भी ले लिया और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल भी आपका ये बहुत लिक्विडी नहीं बनेगा, जैसा आप देख ही रहे हो इस तरह से। और इसे आप किसी भी जो भी आपकी क्रीम की डिबिया है ना, उसमें स्टोर करके रख लीजिए हफ्ते भर के लिए। ये जो क्रीम है ना, ये भी आपकी हफ्ता भर बहुत ईजिली चल जाएगी। हमें बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना होता है, मैं आपको बताती हूँ कितना घर अप्लाई करना है। इसे आप उस डिबिया में स्टोर करके रख सकते हैं। और अगर आप सीरम बनाना चाहें, जैसे मैंने ये पहले भी बनाया था, शेयर किया था आपके साथ, तो इसमें आप चार गुना जितना आपने एलोवेरा लिया है उससे चार गुना आपको ये लेना है गुलाब जल। और अगर आप दूध ले रहे हो तो वो भी आपने चार चम्मच ही, तो फिर आप मिक्स कीजिए और फिर इसे इस तरह के ड्रॉपर वाली बॉटल में स्टोर करके फ्रिज में ही रखना है। जब भी आप कोई भी चीज़ खुद से बनाते हो उसको बाहर नहीं रखना है, फ्रिज में ही रखना है। और डेली रात को सोने से पहले, हफ्ते से ज़्यादा आप, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, हफ्ते से ज़्यादा अगर बनाओगे तो ख़राब हो जाती है, तो फ्रिज में भी रखने के लिए भी एक हफ्ते के लिए ही बनाना है। और हफ्ते बाद फिर से बना लीजिए यार, बहुत ज़्यादा सिंपल है। फिर देखिए क्या करना है आपको, क्लीन फेस पे पहले अपने गुलाब जल की मदद से अपने चेहरे को इस तरह से अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है, चाहे से आपने मेकअप किया नहीं किया, क्योंकि दिन भर धूल मिट्टी पता नहीं क्या कुछ हमारे चेहरे पे बैठता है। तो या तो आप अपने चेहरे को अच्छे से धो लीजिए किसी भी फेस वॉश की मदद से, फिर आप इस तरह से गुलाब जल की मदद से अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर आपको ये जो रेमेडी हमने यहाँ पे तैयार की है इसे अपने चेहरे पे अप्लाई करना है। इस तरह से आप लीजिए, इसे अप्लाई कीजिए एंड ट्रस्ट मी, बहुत कमाल के रिजल्ट आपके सामने होंगे। ये देखिए किस तरह से ये आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है। एक दिन में नहीं, आपको रेगुलरली इसे यूज़ करना होगा, तभी तो मैं बोल रही हूँ कि एटलीस्ट आप हफ्ता भर तो यूज़ करके देखिए, रिजल्ट आपके सामने होंगे। और ट्रस्ट मी, या आपकी रंगत को निखारने के लिए सबसे बेहतरीन क्रीम बनके रेडी होती है। तो इस तरह से आपने अच्छे से मसाज करना है, उसके बाद आपको इसे छोड़ देना है। इसी तरह से ये खुद ब खुद आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएगा, आपको पहुंचने की कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से आप इसे छोड़ दीजिए, सो जाइए और सुबह मॉर्निंग में आप जो भी जिस भी तरह से आपकी स्किन का रूटीन है, फेस वॉश की मदद से चेहरा धोना है, जो भी करना है कीजिए, लेकिन रात को आपको इसे इसी तरह से लगा करके छोड़ देना है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। बाकी इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।